हनुमानगढ़ पुलिस के प्रति लोगों का गुस्सा बड़ा। मेहर वाला गांव में लव जिहाद के मामले को लेकर मसीतावाड़ी पुलिस चौकी के आगे एक सप्ताह से ऊपर से चल रहा है धरना। आज लड़की की मां ने नहर में कूदने आत्महत्या करने का किया प्रयास और लड़की का भाई और भतीजा टैंकी पर चढ़ा। पुलिस प्रशासन मौके पर लंबे समय से, 2 महीने का समय बीत चुका है, इसी दौरान लड़की को पुलिस के द्वारा बरामद नहीं किया गया, इसीलिए वहां के नागरिकों का पुलिस के प्रति आक्रोश है और वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचे, माहौल गरमाया। आइए चलते हैं, सुनते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के संयोजक आशीष पारिक का इस मौके पर क्या कहना है। जैसा कि आप सबको विदित है, 2.25 महीने पहले अपने गांव मेरवाड़ा से एक बच्ची का अपहरण करके और एक तरीके से बहला फुसला करके एक मुसलमानों का लड़का जो है लेकर के गया था। प्रशासन को लगातार 2.25 महीने से समय समय पर अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी तत्परता नहीं दिखाते हुए आज तक उस फाइल में शून्य कार्य किया है। इससे क्षुब्ध होकर के अभी पिछले 8 दिन से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है उसके तत्वाधान में पूरे ग्रामीण जो है वो पुलिस चौकी पर धरना लगा रहे थे मसीतावाली पर। और आज जब धरने में सभी बैठे थे तो एक जो इस लड़की की माँ है वो कूद करके और भागने लगी और जा करके और उस मसीतावाली हेड जो अपने नहर है उसके ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश की। उसको अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़ करके बिठा दिया, लेकिन लड़की का जो भाई है और एक भतीजा जो है वो दोनों टंकी पर चढ़ गए हैं मेरवाड़ा गाँव में। इसको लेकर के प्रशासन से लगातार हम ये अनुरोध कर रहे थे कि आप इस मामले को जितना ढिलाई से काम कर रहे हैं उससे ग्रामीणों में लगातार रोष उत्पन्न हो रहा है और इसका कोई ना कोई खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से हमारे इस पूरे जिले में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं और आज यदि प्रशासन और समाज नहीं चेता तो आने वाले दिनों में स्थितियां और भयावह होगी। और अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं पूरा ग्रामीण जो है मेरवाड़ा के वो ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उस लड़की को यहाँ पर लाया जाए, अन्यथा हम मिलकर के हिंदू समाज एक बड़ा आंदोलन की भूमिका तैयार करेगा।